सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं गोपाल पांडे छत्तीसगढ़ से हूं, और बहुत दिनों से इच्छा थी कि कोई एक फिल्म बनानी है। और चूंकि बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर से रहने वाला था, और मेरी टंग लैंग्वेज भोजपुरी थी, और घर में भी हम लोग भोजपुरी बोलते थे, इसलिए फिर ये डिसाइड हुआ कि हम लोग भोजपुरी भाषा में एक अच्छी फिल्म, लिंक से हटके थोड़ी सी साफ़ सुथरी पारिवारिक फिल्म बनाएं। और इसी सोच के साथ मैं फर्स्ट टाइम पिछले दो दो तीन महीने पहले आया मुंबई में, और यहीं पे इसी स्टूडियो में बैठ करके हमने प्लानिंग किया कि हमको भोजपुरी सिनेमा करना है, और अभी हम लोग बना रहे हैं। पिक्चर कहाँ पे पूरा शूट किया आप? हमने अपनी फिल्म की पूरी शूटिंग छत्तीसगढ़ अंबिकापुर में किया, क्योंकि वहाँ पे जो लोकेशन है वो बहुत अच्छा लोकेशन है, तो लोकेशन की वजह से हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग अंबिकापुर में शूटिंग सर, करेंगे। हर कोई भोजपुरी में बोलता है कि साफ सुथरी बना रहे हैं, साफ सुथरी बना रहे हैं, बट कुछ ना कुछ अंदर देखने को मिल ही जाता है कि एक किस तरह से मूवी है। हमारे परिवार नहीं जा पाते कि आपको फिल्म से क्या लोगों को उम्मीद रहेगी। नहीं, आप पूरी उम्मीद रखिए, मेरी पूरी फिल्म को, मेरे फिल्म के पूरे गानों को आप बिल्कुल विद फैमिली एंजॉय कर सकते हैं। हमारी फिल्म में वल्गरिटी नाम की कहीं कोई चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन आज के समय को देखते हुए थोड़ा बहुत, जैसे एक हमने सॉन्ग झरने पे नहाते हुए शूट किया, तो जितना ज़रूरी था उस हिसाब से हमारे जो हीरोइन है फिल्म की, रितु सिंह, उन्होंने कॉस्ट्यूम पहना है, और लेकिन उसमें वल्गरिटी और अश्लीलता नाम की कोई चीज़ नहीं है। कास्ट के लिए बात करते, कौन कौन सा कास्ट है आपका फिल्म में? हाँ, हमारे फिल्म में मुख्य भूमिका निभाए हैं गौरव झा, और नायिका हैं फिल्म की रितु सिंह जी, और हमारे फिल्म में जो विलेन है वो कॉमेडियन भी है। इस नाते हमने संजय वर्मा जी को लिया। वो शुरू में दो तीन सीन तक इसमें कॉमेडी करते नज़र आएंगे, बट थोड़ा सा फिल्म चेंज होता है और बाद में पता चलता है कि वही फिल्म का विलेन है। गाने कितने हैं टोटल इस फिल्म में? इस फिल्म में टोटल 7 गाने हैं। और फाइट की बात करते हैं कि एक्शन आज के डेट में भोजपुरी में कंपलसरी हो गया है, जी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा ना कि मैं थोड़ा सा लिंक से हट के फिल्म कर रहा हूँ। ये हमारी फिल्म जो है शुद्ध लव स्टोरी है। इसमें फाइट के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था, फिर भी हम लोगों ने दो तीन सीन डाले हैं फाइट के। आज पिक्चर की लास्ट शूटिंग खत्म हुई आपकी, अपना गाने के कुछ जी सीक्वेंस था, जी इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या था ये? ये ऐसा होता है कि हमारा जो हीरो है वो फिल्म में सिंगर है, गायक है, और गांव से निकलता है वो एक सपना लेकर के, उसकी अपनी नायिका को पाने के लिए संघर्ष करने के लिए गांव आता है, अरे शहर आता है, माफ़ कीजिएगा, और शहर में आके संघर्ष करते हुए वो धीरे 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 क्रमशः आगे बढ़ता है। तो आज जो इस स्टूडियो में हम शूट कर रहे थे, हमने ऐसा एक कॉन्सेप्ट रखा है कि वो पहले शहर आया, फिर स्टेज शो किया, फिर उसको कोई एक अच्छा प्रोड्यूसर मिला, उसने उसे स्टूडियो में लाया, स्टूडियो में गाया और फिर स्टार बन गया। तो उसी कॉन्सेप्ट पे आज हम ये सदा पंचम स्टूडियो में इस गाने की शूटिंग कर रहे थे। आपकी अपना ऑडियंस से क्या करना चाहेंगे? मैं ऑडियंस से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग, जो भोजपुरी में वल्गरिटी आ गई है, अश्लीलता आ गई है, यदि आप चाहेंगे तो ये 2 मिनट में सही हो जाएगा। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अश्लील फिल्मों का बहिष्कार कीजिए, उसे मत देखिए। हमारी भोजपुरी संस्कृति बहुत ही समृद्ध है, हमारा जो संगीत है वो भी बहुत समृद्ध है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप साफ सुथरी फिल्मों को देखिए, ताकि हम जैसे मेकर्स आपके लिए अच्छी फिल्में बना सकें। कब तक रिलीज करने का ये प्लान चल रहा है आपका? मे बी अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक। थैंक यू। ओके, थैंक यू। मैं जॉनसन अरुण, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री का छोटा कैमरा मैन, और अभी ये भोजपुरी मूवी किया हूँ मैं। तो लाउड बोलिएगा। और अभी इसमें क्या किस तरह से शूट किया आप इस फिल्मों को? कहाँ एक कंपटीशन के दौर चल रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, खास करके नहीं, इसमें क्या आपने खैर नया टेक्नोलॉजी यूज किया है? हमने इस फिल्म में कुछ एंगल जो होते हैं फिल्म में, जो हम जब शूट करते हैं एज ए डीओपी, एज ए कैमरामैन, तो हम जो फिल्म का एंगल यूज़ करते हैं, तो वो चूंकि हमारी ये फिल्म बहुत ही अच्छी रोमांटिक लव स्टोरी है, तो इसलिए हमने इसमें बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे बहुत ही अच्छे से इसको पिक्चराइजेशन किया है, ताकि ये लोगों के दिल में उतरे। कभी कभी होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है, डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट ये है, और पिक्चराइजेशन में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो क्या आपने, आपके साथ वैसा हुआ क्या? नहीं, हमारी इस फिल्म में, क्योंकि हमारी फिल्म बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म थी, तो हमारे में कुछ
कोई ज़्यादा मतलब ग्राफिक्स या स्पेशल इफेक्ट्स की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी हमारी फिल्म में, तो इसलिए हमको उतनी टफ या उतना हमको संघर्ष नहीं करना पड़ा। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे डायरेक्टर ने इस फिल्म में हमसे काम लिया। अपना ऑडियंस अपने फिल्म के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ऑडियंस से सिर्फ यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ के फिल्म इंडस्ट्री से था तो मुझे पता चला कि यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ी सी वल्गैरिटी ज़्यादा पसंद की जाती है, तो लेकिन हमने इस फिल्म को एक बहुत ही साफ सुथरी और लव स्टोरी रोमांटिक फिल्म बनाया है, तो आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू। और अपने किरदार के बारे में बता दीजिए। रेडी? बोलिए सर। नमस्कार, मैं हूँ गौरव झा और अभी हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा चंक बचा हुआ था ओ साथी रे फिल्म का शूटिंग, तो हम लोग यहाँ पर आए थे शूटिंग करने, अभी हो गया ख़त्म। ओ साथी रे फिल्म बहुत अच्छी बनी है, रोमांटिक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म है जिसके डायरेक्टर गोपाल पांडे जी हैं और राइटर अंजनी पांडे, और म्यूजिक भी गोपाल जी ने दिया है। इसकी शूटिंग छत्तीसगढ़ अंबिकापुर में हुई है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है, बहुत खूबसूरत लोकेशन। और अभी हमारी को आर्टिस्ट रितु सिंह जो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और संजय वर्मा जी, तो सारे लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया और सबके सपोर्ट से एक अच्छी फिल्म बाहर आई, एकदम साफ़ सुथरी। क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर गोपाल पांडे जी हैं उनका थॉट है कि हम साफ़ सुथरी फिल्म बना के ही ऑडियंस को देंगे, हम गंदी फिल्में नहीं बनाएंगे, तो उन्होंने ऑब्वियसली मतलब बहुत अच्छी फिल्म बनाई, एकदम नीट एंड क्लीन, एक गाने गंदे नहीं हैं जो जिसमें डबल मीनिंग हो, कुछ नहीं, पूरी क्लीन फिल्म है। तो मैं यही आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि ये फिल्म बहुत ही जल्द रिलीज़ होने वाली है, आप लोग आइए देखिए और पूरे परिवार के साथ आइए, बिल्कुल आप देख सकते हैं, थोड़ा सा भी आपको कहीं नहीं लगेगा कि ये गंदी फिल्म है। आज आप उदित जी के गाने के ऊपर आपने एक्टिंग किया, हाँ। क्या फील किया आपने, आपको सिंगर बनने का कुछ लगा अंदर से? सिंगर बनने का ऐसा कुछ नहीं लगा, गाते हैं सब लोग, गा रहे हैं और मैं एक्टर हूँ, एक्टर ही रहना चाहता हूँ और एक काम ठीक से कर लूँ वही बड़ी बात है। नहीं, अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी अभी दौड़ चल रही है, हाँ, एक ज्यादातर लोगों को एक वहम हो गया कि सिंगर का ही दौड़ चल रहा है, बट कब तक चलते रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक्टिंग अलग चीज है, सिंगिंग अलग चीज है, वो एक शौक क्या होता है कि एक एक्टर शौक से एक गाना दो गाना गा लिया, वो अलग चीज है, लेकिन हर किसी का एक प्रोफेशन होता है, एक म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर हो सकता है, एक्टर एक्टर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। और बात करते हैं आपके रोमांटिक के साथ साथ भोजपुरी में एक्शन का भी दौर चल रहा है, तो एक्शन में क्या करना, आपके फिल्म में कैसा है, किस तरह से आप की है? नहीं, मैंने ऐसी नहीं की, मतलब एक्शन फिल्में नहीं की है, अभी मैंने एक जवानी जिंदाबाद की, वो फुल एक्शन फिल्म है, और उसके बाद अभी आ रही है सितंबर में ये बाप रे बाप जो हॉरर कॉमेडी है, जो कि अलग टाइप का कैरेक्टर है, वहीं उसके बाद ये ओ साथी रे जिसमें एक बहुत ही अलग कैरेक्टर है, मतलब एक सिंगर का कैरेक्टर है, जो मेरी सारी फिल्में सब अलग अलग कैरेक्टर पे हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ रोमांटिक फिल्में ही कर रहा हूँ। अभी शायद गोपाल जी से बात हुई थी, गोपाल जी अभी नेक्स्ट एक्शन फिल्म करने वाले हैं, तो होते रहता है। और ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे आप? ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग साफ सुथरी फिल्मों को बढ़ावा दीजिए, आइए देखिए, जिससे कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर हिम्मत करे और कि अच्छी फिल्में बनाए, तो मैं यही बोलूँगा आप इस फिल्म को देखिए, तो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर को हिम्मत मिलेगी और वो ऐसी फिल्में और भी बनाएंगे आगे। अभी आप जो एक्टिंग किए थे उदित जी गाने पर, दो लाइन चाहेंगे दर्शकों से भी सुना दीजिए। हाँ बिल्कुल, बहुत ही प्यारा गाना है, उदित जी ने गाया है। दिल में आके दिलदार यार तू प्यार दिला दे लो मनवा के सितारा के हर तार बजा दे लो। बहुत ही अच्छा गाया है, मैं सिंगर नहीं हूँ उतना अच्छा नहीं गा सकता, उदित जी ने बहुत प्यारा गाया है, आपको जल्दी सुनने को मिलेगा ये गाना। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।